नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देश में 24 घंटे में कोरोना के आए 268 नए केस, 188 हुए ठीक। वैश्विक महामारी कोरोना से चीन में जहां हाहाकार मचा है, वहीं इस मोर्चों पर भारत के लिए आज भी राहत भरी खबर है। देश में धीरे धीरे कोरोना खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। वायरस कोरोना संकट काफी कम हो गए हैं। पिछले एक महीने से कोरोना के ग्राफ में लगातार गिरावट देखी जा रही है। हालांकि देश में कोरोना के दैनिक मामले में तेजी दर्ज की गई है। देश में आज कोरोना संक्रमण के 250 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। चीन में बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए भारत में भी एहतियातन कई कदम उठाए जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि अगले 40 दिन भारत में कोविड-19 मामलों के फिर से बढ़ने की संभावना है, लिहाजा लोगों से सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने और पूरी तरह वैक्सीनेशन कराने की अपील की जा रही है। बीते 24 घंटों में देश कोरोना के 268 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना संक्रमण की वजह से किसी भी व्यक्ति की मौत की खबर नहीं है। इससे पहले बुधवार को देश में कोरोना संक्रमण के 188 नए मामले सामने आए थे। अच्छी बात यह है कि इस दौरान किसी की भी जान नहीं गई थी। कल के मुकाबले आज नए संक्रमित मरीजों की दैनिक संख्या में 80 की कमी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह जारी आंकड़े के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 268 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 188 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण को मात देने में कामयाब रहे। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 3,552 रह गई है। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या में 84 की तेजी दर्ज की गई है। इसके साथ ही देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,46,77,915 हो गई है, जबकि ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर कुल 4,41,43,671 पहुंच गई है। वहीं देश में अब तक कुल 5,30,696 लोग कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से दम तोड़ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है।